Good morning, students. Okay, moving on to question number two of review exercise one. अच्छा हमारे पास जो question है question number two उसमें वो question है if A is directly proportional to B और A is equal to this and B is equal to this तो हमने find करना है सबसे पहले value of A जब B जीरो हो जाए 1/3. अब हमारे पास जब भी हमने ये questions किए हैं आपको पता है सबसे पहले हम connecting equation एक जो है ना calculate करते हैं. अब हमारे पास question में है कि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b तो इसकी इक्वेशन नंबर जो a है वो क्या हो जाएगी a इज इक्वल टू के बी. अब हमने a और b दोनों की वैल्यूज a में इक्वेशन a में पुट कर देनी है. जब हमने पुट की तो उसके बाद क्या होगा कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गई 5 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ 5 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. 5 6 हो गया 30 इज इक्वल टू 3 5 15 के. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ 15 यहाँ आके क्या हो जाएगा डिवाइड और 15 1 15 15 2 30 तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2. अब हमने जो k की वैल्यू 2 है ये अपनी इक्वेशन नंबर a में पुट की तो हमारे पास इक्वेशन b आ गई जो कि क्या है a इज इक्वल टू 2b. अब आपने ये करना है कि ये जो b की वैल्यू 1/3 है ये इक्वेशन b में पुट करके a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. किस तरह? सेम इसी तरह जिस तरह मैं अभी आपको जो है ना इसका सेकेंड पार्ट करके दिखा रही हूँ. द वैल्यू ऑफ b हमने फाइंड करनी है जब a हो जाए दिस. इसको हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में लेकर आए तो 2 7 14 + 1 15/2. अब हमने 15/2 को पुट कर देना है बी में. जब हमने इसे बी में पुट किया तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके हो जाएगा डिवाइड तो 2 2 हो गया 4. 15/4 को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया बी की वैल्यू 3/4. अब आपने जो इसका फर्स्ट पार्ट का जो थोड़ा सा नीचे क्वेश्चन का हिस्सा रह गया वो अब आपने खुद करना है. वो आपका होमवर्क होगा. जो आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी वो हम इंशाल्लाह जूम क्लास में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.